आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। समाजवादी पार्टी की जनसभा के चलते सीएम श्रावस्ती में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसकी व्यापक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं काम को तेज गति से कराया जा रहा है, तो साथ ही हेलीपैड के साथ मंच व्यवस्था पर सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। श्रावस्ती के कोना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं कार सवार पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय घटित हुआ जब कोना की तरफ से आ रही तेज गति से कार ट्रैक्टर में जा घुसी। मतदान के महापर्व में बीएसए के निर्देश पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 4 मार्च को होने वाले मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं विज्ञान के कई मॉडल से यहां लोगों को समझाया गया, तो वहीं मतदान करने की अपील की गई। तमाम तरह की नीतियां हैं, तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो सभी को प्राप्त है, सभी अध्यापकों को प्राप्त है। लेकिन जब तक प्रधानाध्यापक का आक्रमण जागृत नहीं होगा, जब तक उसके अंदर अवबोध नहीं जागृत होगा, जब तक उसके अंदर अपने दायित्व का भाव नहीं जगेगा, तब तक सभी योजनाएं बेकार हैं, सभी प्रकार की नीतियां बेकार हैं। और जब अध्यापक ठान लेंगे जो उनके अंदर मूल दायित्व होता है, जो उनके अंदर मूल चेतना होती है, उसको परख लेंगे, तो प्रधानाध्यापक के रूप में एक एक स्कूल की तस्वीर बदलेगी। कुशीनगर के रामकोला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएमएसपी ने शिरकत की। तो वहीं आयोजन का शुभारंभ दीप जलाकर हुआ। इस मौके पर लोगों से मतदान करने की अपील की गई, तो वहीं मतदान के महत्व को बताया गया। जो मतदान प्रतिशत रहा है कहीं भी 60% से ऊपर नहीं रहा, यानी कि लोकतंत्र का स्वास्थ्य खराब। यदि शरीर का स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छा काम नहीं करेगा, लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रहेगा तो अच्छा काम नहीं होगा। तो हमें मतदान प्रतिशत बढ़ा के लोकतंत्र को स्वस्थ बनाना है, तभी जाकर यहाँ के नागरिकों को अच्छा विकास मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। पीलीभीत के मरिया में बंद घर में बालक का शव विक्षिप्त अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताते हैं कि इस महकी ने बालक की हत्या कर उसके अंगों को अलग किया था। वहीं परिजनों की माने तो बालक को कुकर्म के इरादे से उसकी हत्या की गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। इस मामले में आज एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसने छोटे बच्चे की बड़ी निर्मम और क्रूरता से हत्या कर दी। वो काफी विभत्स और बहुत ही खराब घटना है। उसको फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है उसको, और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के कंकोड़ में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ मेडिकल स्टोर से लौट रहे किसान यूनियन के नेता की अज्ञात हमलावरों की गोलियों से मौत हो गई। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार रंजिशन इस हत्या को अंजाम दिया गया था। अज्ञात बदमाशों ने अपनी गाड़ी से घर आ रहे थे, उस समय ओवरटेक करके रोक के और उनकी हत्या कर दी। फायरिंग हुई है जिससे उसमें एक अभियुक्त को उन्होंने नामजद किया है 22 सवा, और बाकी के पहले से मैनेजमेंट का इनका कुछ विवाद चल रहा था उसको लेके है। उसमें FIR से PM सारी कार्रवाई हो गई। हम लोग उसमें शीघ्र उसको सही वर्कआउट करके जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। इलाहाबाद के 12 में निषाद पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैली होनी थी, जिसमें प्रशासनिक अनुमति के चलते हेलीकॉप्टर नहीं आ सका। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने मोबाइल से ही जनसभा को संबोधित किया। जो भी सरकार में है लोग, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, इन्हीं के कारण रोक दिया गया, क्योंकि हम लोग इतना पैसा खर्चा किए, नियम कानून के तहत हमने परमिशन लिया, तो पैसा पूरा जो सरकार के तहत जमा होता है सरकारी खाते में, सब कुछ हमारे पास परमिशन है, उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुमति नहीं दी गई। सीतापुर के बेटा चौराहे पर ओवरलोड करने से भरे ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को रोक दिया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरदोई की मजला में रुपयों के लेन देन के विवाद में युवक पर कड़ासे से हमला कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।